हमारे देश में प्रतिदिन 70,000 से ज्यादा लोगों का जन्म हो रहा है। दुनिया में कोई भी सरकार डेली 70,000 रोजगार नहीं पैदा कर सकती है। तो हमारे उत्पाद में आपको पहले दिन से ये फायदा मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ KYC करवा करके। मत मानिएगा, एक कहावत बोला जाता है, तवा जितना बड़ा रहेगा रोटी उससे छोटा बनेगा। मैंने बिजनेस उसमें स्टार्ट किया जब मेरी उम्र 16 साल की थी। घर से पैसे नहीं मिलते थे, एजुकेशन की प्रॉब्लम थी, मेरी पढ़ाई सही से हो नहीं रही थी। तो सडनली मुझे प्लेटफॉर्म मिला और उस टाइम पे मैंने एज ए पार्ट टाइम इसको एक्सेप्ट किया जीवन में। 50,000 का बचपन से तावा डाला गया है तो रोटी 30,000 का ना पकेगा। तो शिक्षा हमारे यहाँ से 100% मुफ्त दिया जा रहा है। कौन सा आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग पे कानून बनाया। खत्री हुआ और मैं प्रॉपर पटना बिहार का ही रहने वाला हूँ। और आज देखा जाए इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इस संस्था के साथ पिछले 9 साल इस मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। आज देखा जाए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है रिकोनेक्स लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भारत सरकार के 2013 कंपनीज एक्ट से रजिस्टर्ड है भारत सरकार से, और आज पूरे भारतवर्ष में आयुर्वेद के साथ साथ अगर देखा जाए हेल्थ में, एजुकेशन में, मल्टीपल सेक्टर्स के साथ, एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रही है। हमारी संस्था का 9 साल कंप्लीट हो चुका। 9 साल के उपलक्ष्य में हम लोगों ने पटना बापू सभागार में एक काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम रखा, जिसमें बिहार, झारखंड और हमारे अलग अलग जगह से बहुत सारे हमारे जो भी हमारे कलिंग्स हैं साथ में हमारे साथ जो इस मिशन को प्रमोट कर रहे हैं वो सारे लोग आए हुए थे। और आज इस अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो आज कहीं ना कहीं आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो कि डिजिटल इंडिया को लेकर के काफ़ी सिंसियर है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस मिशन को आज से 9 साल पहले ही स्टार्ट किया और पूर्ण रूप से फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस टेक्निकल कोर्सेज को हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दिया जाता है। लोग प्लस अपने हिसाब से शॉपिंग। हमारा जो दूसरा मिशन है शिक्षा, बीमारी और बेरोजगारी, तो शिक्षा हमारे यहाँ से 100% मुफ्त दिया जा रहा है। कौन से शिक्षा दी जा रही है तो ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं, टेक्निकल एजुकेशन। दूसरा शिक्षा के साथ बीमारी आज आयुर्वेद जो कि भारत की पद्धति होकर के ही भारत से ही पूरी तरीके से कह सकते हैं बिछड़ चुकी है। तो आयुर्वेद पद्धति पर हम लोग काम करते हुए काम कर रहे हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है और आज भारत में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ये घर घर लोगों को मिशन प्रमोट किया जा रहा है। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग पे कानून बनाया, 2016 में गाइडलाइंस लाया, 2021 में हमारे देश में संसद में कानून के माध्यम से लोगों को एक रास्ता साफ किया। कि जहां से मैं फिर भी बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं जो मोदी जी का मिशन रहा है, मैं किन्हीं का पार्टी का लेकर के, ये हमारे देश को ये चीज़ समझना होगा, हमारे देश में प्रतिदिन 70,000 से ज़्यादा लोगों का जन्म हो रहा है। दुनिया में कोई भी सरकार डेली 70,000 रोजगार नहीं पैदा कर सकती है, जिस कारण से रोजगार का अगर अभाव होता है तो लोगों के पास गलत रास्ते की तरफ जाने का, आज देखिए बिहार साइबर क्राइम बहुत सारे चीज़ों में बिहार का नाम आ रहा है। तो कहने का मतलब है हमारा मिशन है कि हम लोगों को एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ सेक्टर का नॉलेज दे करके स्वरोजगार के माध्यम से उन्हें अपने पैर पे खड़ा होने का मौका दे। आज हमारे साथ पूरे बिहार वर्ष से, भारत वर्ष से, झारखंड से, अलग अलग स्टेट के साथ बहुत सारे युवा हैं जो अपने पढ़ाई कंप्लीट करके, पढ़ाई करने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी जगह जॉब कर रहे थे, जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं था, जो आज हमारे साथ पार्ट टाइम दे करके लोग, आज बहुत सारे लोग फुल टाइम में भी हैं, बहुत सारे लोग पार्ट टाइम में भी हैं और अपने पैर पे खड़ा हो रहे हैं। सबसे बड़ा बात, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मिशन है, नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। सरकार से रोजगार नहीं मांगना है, सरकार को टैक्स के माध्यम से, अपना इनकम टैक्स के माध्यम से, अपना TDS के माध्यम से सपोर्ट करना है, यह हमारा। और दूसरा सबसे बड़ा जो चीज़ है हमारा, आयुर्वेदिक पद्धति पर हमारा जो इलाज का है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन 150 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट पर काम करती है। एक नहीं, दो नहीं, 150 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हमारी संस्था ने लॉन्च किया है, जिसका पूरे भारतवर्ष में फ्रेंचाइजी मॉडल, 30,000 से ज़्यादा पिन कोड पे हमारी होम डिलीवरी है। 9 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ अचीवमेंट किया है। ये मैं फिर भी बोलूँगा ये बहुत कुछ नहीं, ये शुरुआत है। आने वाले डेट में हमारे साथ और भी बहुत सारे प्रोफाइल हैं जो कि कनेक्ट हो रहे हैं और आने वाले डेट में इससे बड़ा हम लोग बिजनेस करने वाले हैं। कैरियर स्कोप के बारे में कुछ बताएंगे जी? नो डाउट कैरियर को लेकर के अगर बात किया जाए तो, अगर इस बिजनेस के मामले में अगर बात किया जाए, देखिए अगर हम इस धरती पे हैं तो एक चीज़ हमें समझना होगा, हम लोग पैसा कमाने का मेन मोटिव ही कैरियर बनाना होता है। पैसा कमाने का, अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोगों को स्वास्थ्य मिल रहा है, हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे लोगों को एजुकेशन मिल रहा है,
तो कहीं ना कहीं एक कैरियर के साथ साथ एक बहुत बड़ा समाज सेवा भी है, जिससे समाज में कंट्रीब्यूशन भी हो रहा है, लोगों के पास एक रोजगार भी जा रहा है और कंट्रीब्यूशन भी हो रहा है। और जहां तक कैरियर की बात किया जाए तो आज लोग अगर सेल्फ डिपेंड है, नौकरी में जो सुनना पड़ता है अगर वो सब चीजों से अगर पड़े हैं, अपने घर में रह करके जो बिहारी को गाली दिया जा रहा है, मजदूर का सप्लायर बताया जा रहा है, फिर भी हमारे, मैं किसी पॉलिटिशियंस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी आज जो बाहर, मैं कहीं ना कहीं इन सब चीजों में बिहार का जो फेस वैल्यू है वो काफी छोटा है, बिहार झारखंड में भी काफी इन सब चीजों को लेकर। आपकी कंपनी से जुड़ने के लिए कैसे किया जाएगा डायरेक्ट सेलिंग का, उसका बताइए। डायरेक्ट सेलिंग का जो गाइडलाइंस है, भारत सरकार का जो दिशा निर्देश है, वो हम लोग पहले दिन से ही उसको फॉलो कर रहे हैं। भारत सरकार भले ही कानून 2021 में लेकर के आई, लेकिन पहले ही दिन से हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग था उसको ये चीज फुलफिल किया जा रहा है। पहला चीज, हमारी संस्था के साथ किसी भी तरीके का जोड़ना ऐसा कुछ नहीं है। हमारी संस्था में क्या है, जैसे ही आप इस बिजनेस में आते हैं, आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी लगती है, जिसके लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जिसके माध्यम से आप इस संस्था का सदस्य। जिस दिन आपका सदस्यता होता है, पहले ही दिन से आपको कंपनी की जितने भी उत्पाद है, हमारे तकरीबन 150 उत्पाद, चाहे वो एग्रीकल्चरल के हो, हेल्थ के हो, फैब्रिक हो, कुछ भी हो, पहले दिन से ही आपको 20-30% डिस्काउंट पे आपको मिलता है। तो सबसे पहला फायदा हो गया कि आप सिर्फ अगर अपना आधार कार्ड से अगर आप सिर्फ रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो आप पहले ही दिन से 30% डिस्काउंट में आप आ गए। ये एक सबसे पहला, आपके पास एक रोजगार का पहले ही चीज आ गया कि जो चीज बाजार में 100 रुपए में बिक रही है वो चीज आपको तो 70 रुपए में मिल जाएगा, 60 रुपए में मिल जाएगा। तो पहला एक रोजगार आपके पास कहां से आ गया कि आप उसको आगे प्रमोट करके रिटेल इनकम। आज भारत छोड़ दीजिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो रिटेल ही है, दुकान, मॉल, शॉपिंग मॉल, सबका क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर रेट होता है, कस्टमर रेट होता है। तो हमारे उत्पाद में आपको पहले दिन से ये फायदा मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ KYC करवा करके। मतलब आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट को आप अगर रजिस्टर्ड करते हैं, KYC कर लेते हैं, आप पहले दिन से ही आप 30% डिस्काउंट में चले गए। एक रोजगार वहां से हुआ, फिर जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता है, स्किल्स बढ़ता है, आपका परसेंटेज में इंक्रीमेंट होता है, आपका इनकम इंक्रीमेंट होता है। देखिए, बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता है, सीख के इस धरती पे कोई नहीं आया है। कोई भी प्रोफेशन है, आपको थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा, पेशेंस के साथ, समय के साथ देना ही पड़ेगा, बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता है। अलादीन का चिराग नहीं है, आइए रगड़िए, सब कुछ हो जाएगा जिंदगी में। लोगों को सीखते सीखते 60-70 साल की उम्र तक भी लोग आज के डेट में सेटल नहीं हो पा रहे। हमारा विश्वास है कि आप सेटल हो सकते हैं, कब, जब आप सिद्धांतों को फॉलो करें, कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करें, ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर है, कल्चर है, और आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट, इस संस्था में अगर आगे बढ़ना है तो आपका सेल्फ डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम रहती है, जूम के माध्यम से ऑनलाइन, पूरे इंडिया भर में आप कहीं से भी इस पे कनेक्ट हो सकते हैं, पूरे इंडिया भर में आप हमारे सर्विस। अच्छा। कहावत बोला जाता है, तवा जितना बड़ा रहेगा रोटी उससे छोटा बनेगा। हमारे बचपन से ही दिमाग में एक ही चीज डाला गया है, मेरा बेटा बड़ा होगा बैंक में नौकरी करेगा, मेरा बेटा बड़ा होगा सरकारी नौकरी करेगा, यहाँ फलना जगह नौकरी करेगा, चिलना जगह नौकरी करेगा। 50,000 का बचपन से तावा डाला गया है तो रोटी 30,000 का ना पकेगा, रोटी कभी भी उस पे 1,00,000 रुपए का तो नहीं पक सकता है, सोच तो बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, कि कोई भी बड़ा फैक्टर क्या होता है, डेट इज टाइम कंपाउंडिंग, समय को बचाना। हम और आप कितना भी मेहनत कर लें, 24 घंटा से एक मिनट भी ज्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे कैलेंडर में ही नहीं है। हम लोग 24 घंटा अगर काम कर लेंगे तो अगला दिन 24 घंटा नहीं काम कर सकते, क्योंकि हमारे शरीर की इतनी स्टेमिना नहीं है, हम लोग पर डे 24 घंटा काम नहीं कर सकते। हम लोग पर डे 8 से 10 घंटा ही काम कर पाते हैं, उसमें भी हमें छुट्टी चाहिए, ईद, दिवाली, छठ, दशहरा, सब चीज में छुट्टी चाहिए, लेकिन हमारे पास भी 24 घंटा है और एक बिजनेसमैन के पास भी 24 घंटा। मैं किसी एक एग्जांपल नहीं लेना चाहूंगा, मैं अगर एक एग्जांपल लूं, अगर किसी भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, किसी भी एक बिजनेसमैन का आप नाम बोल दीजिए। आज लोग अडानी को बहुत ज्यादा लोग टारगेट करते हैं, मैं अडानी जी की ही बात कर रहा हूं। आज अडानी जी के नीचे कितने इंप्लॉय हैं, कम से कम उनकी कंपनी में कितने इंप्लॉय होंगे, कम से कम 10,000 इंप्लॉय, भाई उसे कई गुना ज्यादा है, लाखों है। अगर 10,000 लोग डेली का 8-8 घंटा दे रहे हैं तो अंबानी जी के पास डेली का कितना घंटा जा रहा है, 10,000 × 8 उनके पास डेली का 80,000 घंटा आ रहा है। हम कितना भी काम कर ले, 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं, 24 घंटा से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। वो काम नहीं भी करेंगे ना तो भी 80,000 घंटा काम होगा, क्यों, 10,000 लोग 8-8 घंटा काम किए।
तो ये एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको समय को बचाना होगा, और इसके लिए आप ज्यादा दूर मत जाइए, आसपास में बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे यहाँ पे मिठाई का शौक है, लेकिन हल्दीराम क्यों चल रहा है, प्रमोद क्यों चल रहा है, कारण क्या है, 50 आउटलेट है, 50 जगह से सामान बिक रहा है, तो एक ही जगह पे पैसा आ रहा है। तो सेम कॉन्सेप्ट, आप अगर अकेला धंधा कीजिएगा तो अकेला पैसा कमाएगा क्योंकि आपके पास दो ही हाथ है, लेकिन अगर आपके टीम में अगर 10 लोगों का टीम है तो आपके पास 10 लोग नहीं है, आपके पास 20 हाथ है, 20 हाथ में 4 हाथ सप्लाई देगा, 4 हाथ सामान बनाएगा, 4 हाथ कस्टमर को सर्विस देगा, 4 हाथ कंप्लेन रजिस्टर्ड करेगा, 4 हाथ मैटर को चीजों को स्मूथ करेगा। तो हम लोग, और डायरेक्ट सेलिंग का बात नहीं है, ये बिजनेसमैन का बात है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे करके इस क्वेश्चन को क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप किसी हलवाई की दुकान में अगर पूरी बनाते हैं, अगर आप एक दिन नहीं बनाइएगा आपको 500 रुपये आएगा नहीं आएगा, लेकिन एक दुकानदार जिसकी शादी हुई वो वाइफ के साथ लेकर के चला गया वैष्णो देवी घूमने के लिए, लेकिन फिर भी उसके दुकान पर कस्टमर आएंगे, पूरी वाला पूरी बनाएगा, काउंटर वाला काउंटर पर सामान देगा, प्लेट धोने वाला प्लेट धोएगा, दुकानदार यहाँ नहीं भी रहेगा ना फिर भी वो पैसा कमाएगा, बट पूरी वाला पैसा नहीं कमाएगा। बस यही डिफरेंस है, सोच की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट है, लोग नहीं समझ पा रहे ना, हम लोग का स्कूल पढ़ा रहा है, हम लोग का स्कूल सर बिजनेस का मतलब चाय बेचना या बिजनेस का मान में बहुत लोग को देखता है एमबीए चाय वाला, भाई बिजनेस का मतलब मेरा मानो, मैं बहुत ज्यादा मेरा उम्र नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी का ज्वेलरी का बिजनेस है, मैं भी एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिसका 50 साल से पटना में बिजनेस है, लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूँ, बिजनेस का मतलब वो बिजनेस होता है जहां आपके नहीं रहने के बाद भी पैसा है, बिजनेस का मतलब होता है सिस्टम क्रिएट करना। भाई चाय बेचना समोसा बेचना ये हो सकता है बिजनेस, कब होगा, जब समोसा बनाने वाला अलग होगा, छानने वाला अलग होगा, बेचने वाला अलग होगा, सर्विस देने वाला अलग होगा, खुद से करके, तब वो एक बिजनेस मॉडल हो सकता है, जैसे कि हल्दीराम, जैसे कि मल्टीपल जो मैंने एग्जांपल दिया, ब्रिटानिया हल्दीराम पार्टी, आप अगर खुद से काम कर रहे हैं तो बिजनेस नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉय है। हम लोग का कोई टीचर ये बात नहीं पढ़ाता है, हम लोग का स्कूल बस एक ही चीज सिखाया है, नंबर लाओ नंबर लाओ नंबर लाओ। आपने कोटा में देखा एक महीने के अंदर कितने बच्चे ने सुसाइड कर लिया, एक मेंटल प्रेशर है सिर्फ नंबर लाने का। भाई नंबर आपके जॉब में सिर्फ 10% रोल है, ऐसे सर्टिफिकेट खोला जाएगा बंद करके रख दिया जाएगा, 90% रोल शिक्षा बीमारी और बेरोजगारी में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बनाएंगे आने वाले डेट में। धन्यवाद सर, आप अपना थोड़ा प्रतिक्रिया बढ़ाएंगे इस कंपनी के बारे में, एमडी साहब बोलेंगे, आपका क्या कहना है? कंपनी एक्चुअली देखिए डायरेक्ट सेलिंग पे एक लीडिंग ब्रांड है। आपका नाम परिचय बता देंगे? मेरा नाम दीप कुमार मेहता है, मैं बिस्लू रांची से हूँ, और डायरेक्ट सेल्स के बिजनेस में पिछले 18 सालों से एक्चुअली काम कर रहा हूँ, और छोटी सी उसमें मैं बिजनेस में आया था, इसके बाद मुझे करियर दिखा, तो एजुकेशन के साथ साथ में जो लोग ये बोलते हैं कि पढ़ाई के बाद ही इनकम हो सकती है, उनको मैं एक अपना एग्जांपल देना चाहूँगा कि मैंने बिजनेस उसमें स्टार्ट किया जब मेरी उम्र 16 साल की थी, वैसे पैसे नहीं मिलते थे, एजुकेशन की प्रॉब्लम थी, मेरी पढ़ाई सही से हो नहीं रही थी, तो सडनली मुझे प्लेटफॉर्म मिला, और उस टाइम पे मैंने एज ए पार्ट टाइम इसको एक्सेप्ट किया जीवन में, धीरे धीरे काम होता गया,